खबर बड़वानी से। निमाड़ के प्रसिद्ध गणगौर पर्व पर आयोजित तखत कार्यक्रम में हजारों की संख्या में शामिल हुए ग्रामीण। सुबह से ज्वारों का पूजन कर माता रानूबाई को घर लाए लोग। निमाड़ में गणगौर पर्व का अपना अलग ही महत्व है। चैत्र नवरात्रि में माता की बाड़ी स्थापित कर ज्वारों को बोया जाने के बाद आज तीज पर बाड़ी के पट खोल सुबह से लोग ज्वारों का पूजन अर्चन कर माता रानूबाई सहित धनियर राजा को घर लेकर आए, जिन्हें दो दिन घर रख कर पूजन अर्चन किया जाएगा। साथ ही 7 अप्रैल को गणगौर घाट पर विसर्जन कर दिया जाएगा। माना जाता है कि माता रानूबाई मायके आती हैं, जिन्हें लेने धनियर राजा भी आते हैं। लोग माता की पूजा अर्चना कर उन्हें विदाई देते हैं। गणगौर पर्व पर जहां निमाड़ भर में इसे धूमधाम से मनाया जाता है, वहीं बड़वानी जिले के मड़वाड़ा में इसी दिन तखत का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें महिलाओं के भेष में युवा चलते ट्रैक्टर ट्राली पर स्टेज बनाकर नाच गाना करते हैं, जिन्हें देखने ग्रामीण क्षेत्रों सहित दूर दूर से हजारों की संख्या में लोग मड़वाड़ा आते हैं, जहां अलग अलग ग्रामों में आई टीम अपनी प्रस्तुतियां देती हैं। कोरोना में 2 वर्ष से जहां आयोजन नहीं हुए, वहीं इस वर्ष हजारों की संख्या में लोग मड़वाड़ा पहुंचे, जहां ग्राम तकियापुर मोहीपुरा व पनिया से आई टीमों के द्वारा महिलाओं के वेश में क्षेत्रीय भाषा व फिल्मी गानों पर प्रस्तुतियां दी गई। इस दौरान क्षेत्र के विधायक व पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन भी तखत पर बैठे नजर आए। बता दें कि गणगौर पर्व पर माता रानूबाई को एक दिन श्रद्धालु अपने घर ले जाते हैं, जहां रात भर भजन कीर्तन किया जाता है। वहीं मन्नत वाले लोग दूसरे दिन भी माता को घर रोकते हैं, जिन्हें तीसरे दिन गणगौर घाट पर विसर्जित किया जाता है। के लिए बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।